तो नमस्कार, आज हम खड़े हैं अशोक लेलैंड के दोस्त के सामने। ये गाड़ी काफ़ी दमदार है और इसके जो ऑनर हैं वो हमारे साथ हैं। ये इनके ऑनर हैं। नमस्कार भैया, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। भैया एक बार अपना नाम बता दीजिए। सूर्यभान यादव नाम है भैया का। और भैया की ये गाड़ी है जो कि 5 साल से ऊपर हो चुकी है भैया के पास, और ऐसी ही 3 गाड़ियाँ भैया के पास ऑलरेडी हैं। ये तीसरी गाड़ी है ना भैया? जी, ये तीसरी गाड़ी है, 2 गाड़ियाँ और हैं भैया के पास। तो भैया कैसा आपको फीडबैक लगा इस गाड़ी का? बढ़िया है। अच्छा, गाड़ी के बारे में क्या ऐसी बातें आप बताना चाहेंगे, जो अच्छी बातें क्या लगी और बुरी बातें क्या लगी? पहले अच्छी बातें बता दीजिए। मोदी जी, अच्छी बातें, चलने में बहुत अच्छी है, इजली है, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। और दूसरी बात, आदमी कंफर्टेबल है। अच्छा, बैठने में भी कोई दिक्कत नहीं है, सीट फोल्ड कर सकता है आदमी, आराम से लेट भी सकता है अंदर। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है, आदमी चलाने के बाद महसूस करता है। ठीक है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, इसका अंदर का कैबिन किस तरीके का है, क्या कुछ है गाड़ी में। और अंदर से देखने में गाड़ी कुछ इस तरीके की है। सीट्स की अगर हम लोग बात करें तो सीट्स इस तरीके से कुछ आपको मिलता है। भैया सीट्स के बारे में कुछ बताइए, कैसी है सीटिंग कंफर्ट कैसा है? कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। लॉन्ग रूट पे मतलब लंबे समय तक चलने में कोई दिक्कत नहीं होती। कोई दिक्कत नहीं है नहीं। तो लंबे में आप कितनी दूरी एक बार में आपने कवर करी है? मैं 500-550 तक चला। 500-550 किलोमीटर आपने इस गाड़ी को लगातार चलाया? जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और 19 से 20 का एवरेज आप बता रहे हैं गाड़ी दे रही है? CNG पे ये गाड़ी है। और किलोमीटर अगर हम देखें, भी एक बार ऑन करके दिखाएंगे किलोमीटर कितना चल गया। ये अब तक चल चुकी है 294,047। तो ये जो गाड़ी चल चुकी है देख सकते हैं आप, मीटर में आ रहा है, देखो ये रहा 294,000 है ना, 47 किलोमीटर करीब गाड़ी चल चुकी है। तो बहुत ही लंबी, मतलब काफ़ी भैया ने चलाई है गाड़ी, कुछ इस तरीके से देखने में है। 1 टन में गाड़ी पास है। गाड़ी में सारी चीज़ें मैनुअल मिलती हैं। ये ओपनिंग का भी काफ़ी अच्छा है। ग्लव बॉक्स की अगर बात करें तो इसमें आपको जो है लॉक मिल जाता है, जिससे कि आप इजीली जो है अपने डॉक्यूमेंट्स कुछ इसमें रख के लॉक करके आप सेफली जा सकते हैं। म्यूजिक सिस्टम का कुछ इस तरीके से लगा हुआ है इसमें। और लेटेस्ट जो आ रही हैं गाड़ियाँ उसका मैं आपको दिखा दूँगा दूसरे वीडियो में। बाकी कुछ इस तरीके से भैया ने यहाँ पर पंखा भी लगवा रखा है ताकि ईजिली इनको हवा यहाँ से मिल सके। तो ये अंदर से कुछ इस तरीके का है, यहाँ ड्राइवर का कंफर्ट काफ़ी अच्छा बता रहे भैया। हाँ जी, स्पीकर इसके लगा रखा। अच्छा, चलाओ चलाओ ना। तो भैया ने इसमें काफ़ी एक्सेसरीज लगा रखी हैं, लाइट वाइट भी बता रहे हैं दरवाजे में। ये देखो भैया ने लगवा रखा है दरवाजे में, लाइट काफ़ी अच्छी लग रही है, तो सही है। तो एक आध खासियत और है अशोक लेलैंड के इस गाड़ी में जो कि भैया बता रहे हैं, बताइए भैया। जो गाड़ी का डिफ्लेंसर है। अच्छा, वो गाड़ी का डिफ्लेंसर ऐसा दे रखा है। तो डिफ्लेंशियल का मतलब क्या होता है भैया, एक बार थोड़ा सा बता दीजिए हमारे नए भाई जो है पीछे। इसकी जो हैंडी होती है इसको हैंडी बोलते हैं नीचे। अच्छा अच्छा, ये जो पहिए घुमाती है। ये ऐसी चीज दे रखी कंपनी, छोटी गाड़ी हो चाहे फिर बड़ी गाड़ी हो, ये कभी खराब नहीं होती जल्दी से। अच्छा, और तो भैया का कहना है कि इस गाड़ी का जो गियर बॉक्स है वो काफ़ी स्मूथ है और कभी फंसता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।
क्यों भैया ऐसा कुछ है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी देखो ये मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी है, नॉर्मली गियर लगते हैं बिल्कुल ईजिली, जैसे एक गाड़ी के होते हैं कार के गियर होते हैं ईजिली के लगते हैं, सॉफ्ट गियर है बिल्कुल। ये देखो फर्स्ट, देखिए भैया दिखा रहे हैं, ये देखो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, और ये इसका फिफ्थ हो गया, ये इसका बैक हो गया। इजीली गियर लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो गियर लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो प्लस पॉइंट और बताएं भैया ने, इसके गियर बॉक्स से इतनी बढ़िया फैसिलिटी है कि कभी ये मतलब जल्दी से खुलता भी नहीं है। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भैया कुछ कमियाँ क्या क्या लगी आपको इस गाड़ी में? कमियाँ थोड़ा केवल CNG वाली गाड़ी में थोड़ी कमी है बस, बाकी डीजल वाली गाड़ी में कोई कमी नहीं है। अच्छा CNG में क्या कमी लग रही है? जो CNG में आती है ना उसका थोड़ा पिकअप कम है। अच्छा, और जो डीजल वाली गाड़ी में उसका पिकअप सही है, पिकअप का इशू है वो, तो थोड़ा CNG पे थोड़ा कमी देती है गाड़ी, जो भी गाड़ी होगी CNG पे कमी देती है, CNG में लोड इतना सक्सेस नहीं हो पाता, और जो डीजल वाली गाड़ी होती है वो डीजल वाली गाड़ी का पिकअप अच्छा होता है, उठाना अच्छा होता है, लॉन्ग रूट पर वो भी बढ़िया चलती है। ठीक है हेलो, तो केवल आपका पिकअप का एक थोड़ा सा इशू है, बाकी आप गाड़ी से सेटिस्फाई हैं? गाड़ी बिल्कुल सही है। ओके, तो बाकी जो नई गाड़ियां लोग लेना चाह रहे हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जो नए बंदे लेना चाह रहे हैं वो अपना बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं उनको लेने में, एक बार लेकिन लेने से पहले टेस्ट ड्राइव जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल, टेस्ट ड्राइव तो देखो बनता है, कोई भी अगर आप सामान खरीदते हैं तो टेस्ट ड्राइव तो बनता है। बाकी अशोक लेलैंड अपने आप में एक भरोसे का नाम है, बहुत ड्राइवर इस पर भरोसा करते हैं और गाड़ियां लेते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, तो आप भी लीजिए और बेफिक्र होकर लीजिए। बट भैया का जैसा सजेशन है कि टेस्ट ड्राइव एक बार ज़रूर कर लीजिए गाड़ी कोई भी लेने से पहले। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे चैनल पर आप आए, आपने एक रिव्यू दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।